मुंबई जैसे शहर में आप नए हो और मुंबई लोकल से पूरी मुंबई घूमना चाहते हैं और वो भी बिना लोकल के रूट को जाने, तो ये चीज़ करीब करीब नामुमकिन। मुंबई लोकल से अगर आपको मुंबई घूमनी है तो पहले उसके रूट का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई का सबर्बन नेटवर्क एशिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेलवे नेटवर्क में से एक है। पर चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप भी नए हैं और मुंबई घूमना चाहते हैं वो भी लोकल से, तो इस वीडियो से मुंबई के पूरे सबर्बन नेटवर्क को समझ लीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भागता भागता ट्रेन पे जैसे तैसे चढ़ा, देखा ना डब्बा लगता गलत डब्बे में खड़ा, ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये। मुंबई में ट्रेन को दो जोनल डिविजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एक है वेस्टर्न रेलवेज और दूसरा है सेंट्रल रेलवेज। वेस्टर्न रेलवेज मुंबई की वेस्टर्न लाइन को ऑपरेट करती है जो चर्च गेट से डहानू स्टेशन तक है। 2013 से पहले ये लाइन चर्च गेट से विरार तक ही थी, पर बाद में इसे एक्सटेंड किया गया। चर्च गेट स्टेशन वेस्टर्न लाइन का पहला स्टेशन है और ये साउथ मुंबई में पड़ता है, और ये रूट सिटी के आउटर नॉर्थ एरिया को कवर करता है। इस लाइन में टोटल 37 स्टेशन है और ये रूट अप्रोक्सीमेटली 124 किलोमीटर का है। अब देखते हैं सेंट्रल रेलवे द्वारा ऑपरेटेड रेलवे लाइन्स को। सेंट्रल रेलवे द्वारा सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नेरुल उरन लाइन ऑपरेट की जाती है। इसमें से सबसे पहले नजर डालते हैं सेंट्रल लाइन पर। सीएसएमटी से होकर सेंट्रल लाइन आगे कल्याण की ओर जाती है, और कल्याण से ये लाइन डिवाइड होकर एक लाइन कसारा की ओर और दूसरी लाइन खोपोली की ओर जाती है। कसारा से आगे का रेलवे रूट कसारा घाट से होकर नासिक की ओर जाता है। वही खोपोली से पहले कर्जत स्टेशन से एक मेन लाइन पुणे की ओर जाती है। फिर आते हैं हार्बर लाइन पर। ये लाइन 3 मेजर कॉरिडोर्स को कवर करती है, एक सीएसएमटी पनवेल, सेकंड सीएसएमटी गोरेगांव और थर्ड पनवेल टू गोरेगांव। हार्बर लाइन वडाला स्टेशन से दो रूट में डिवाइड होती है, जिसमें से एक रूट बांद्रा स्टेशन से वेस्टर्न लाइन को ज्वाइन करते हुए आगे गोरेगांव तक ले जाता है, और दूसरा रूट नवी मुंबई से होते हुए पनवेल की ओर जाता है। हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन को कनेक्ट करने वाला एक रूट है जिसे ट्रांस हार्बर लाइन बोला जाता है। ये लाइन ठाणे से पनवेल की ओर जाती है। इस लाइन का एक रूट वाशी तक ही है और दूसरा आगे पनवेल तक कंटिन्यू होता है। ये लाइन सानपाड़ा स्टेशन पर हार्बर लाइन से कनेक्ट होकर आगे पनवेल तक जाती है। इसी लाइन को लगकर नेरुल स्टेशन से उरन की ओर नए लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल चालू है, जो नेरुल उरन लाइन बोला जाता है। ये लाइन अभी के लिए खारकोपर तक ऑपरेटिंग कंडीशन में है और आने वाले कुछ सालों में आगे का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये तो हुआ मुंबई के रेलवे लाइन्स के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी इस रेलवे लाइन पर दौड़ने वाले लोकल्स के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पर दौड़ने वाली लोकल्स मोस्टली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक है स्लो लोकल और दूसरी है फास्ट लोकल। डिस्प्ले बोर्ड पर स्लो लोकल को एस लेटर से और फास्ट लोकल को एफ लेटर से डिनोट किया जाता है। ये लोकल ट्रेन्स 12 कोचेस या फिर 15 कोचेस के होते हैं। फास्ट लोकल आपको सिर्फ सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर ही देखने को मिलेंगे, और इन्हीं दो लाइंस पर 15 कोचेस के लोकल भी होते हैं। स्लो लोकल हर स्टेशन पर रुकती है, वही फास्ट लोकल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मेन स्टेशन पर ही रुकती है। इन्हीं में से कुछ रूट्स पर आपको एसी लोकल सर्विस भी अवेलेबल है, जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो। अब बात करते हैं इसकी टिकट बुकिंग की। सबसे कॉमन रास्ता टिकट मिलने का वो है टिकट काउंटर। आप टिकट काउंटर से डेस्टिनेशन की टिकट ले सकते हो। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट से आप स्टेशन पर लगे एटीवीएम मशीन से टिकट निकाल सकते हो। इसी एटीवीएम मशीन से आप स्मार्ट कार्ड की मदद से टिकट ले सकते हो। ये स्मार्ट कार्ड आप बुकिंग ऑफिस से इशू करवा सकते हो और आपके ज़रूरत के हिसाब से उसका रिचार्ज करके आप उसका यूज कर सकते हो। हर रिचार्ज पर स्मार्ट कार्ड यूजर्स को 3% का डिस्काउंट भी मिलता है। इसके अलावा UTS ऐप का यूज करके भी आप टिकट बुक कर सकते हो। पर याद रखना, इस ऐप का यूज आप स्टेशन से दूर रहकर ही कर सकते हो, स्टेशन पर आप इससे टिकट बुक नहीं कर सकते। इसी के साथ जो लोग डेली लोकल से ट्रैवल करते हैं उनके लिए मंथली पास की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये रहा छोटा सा मुंबई ट्रैवल गाइड आपके लिए। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इसी रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। गलत डब्बे में खड़ा, ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये।